गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा क्लास 9th का 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्वेश्चन 3rd का फर्स्ट क्वेश्चन 3rd लिखा हुआ, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, राइट। यानी फैक्टराइज करना, जो भी इसमें आइडेंटिटीज यानी फार्मूला यूज होता है, उसे हम फार्मूला को यूज करके इसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है 9x² प्लस 6xy प्लस वाई का होल स्क्वायर, राइट। अब इसे सॉल्व करते देखिए, तो 9x² को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, और x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर से हम ये लिख सकते हैं। आप देखिए 6xy को अभी कुछ मत लिखिए, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस लिख लेते हैं। y को हम ये भी तो लिख सकते हैं, y का होल स्क्वायर, राइट। तो अब आपको आइडिया और होगा, ये देखिए ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं 2 मल्टीप्लाई ए क्या आ जाएगा, यानी 3x मल्टीप्लाई बी क्या है, यानी y है, राइट। तो ये देखिए किसका पैटर्न बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो इस पूरे को हम ये भी लिख सकते हैं, यानी 3x प्लस y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए क्या है यानी 3x और बी क्या है वाई, तो इसे हम लिख सकते हैं 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इसे ये 2 times लिखा है, तो इसे हम लिख सकते हैं, एक बार आ जाएगा 3x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज, एक बार आ जाएगा 3x प्लस वाई, क्योंकि ये 2 times लिखा है, इसका आंसर यही होगा, राइट बच्चों। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट क्या है, यानी 4y का होल स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 लिखा है। अब देखिए 4y का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 4 को हम 2 लिख सकते हैं, और y स्क्वायर को y लिख सकते हैं, इसका पूरे का होल स्क्वायर। तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4, y का करेंगे y। अब इसे 4y को अभी मत सॉल्व कीजिए, अब देखिए प्लस 1 को हम ये 1 का होल स्क्वायर भी करेंगे, क्योंकि 1 का कितना भी स्क्वायर करेंगे, 4 times करेंगे, 5 times करेंगे, 1 ही आएगा। अब देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, और यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए, ए क्या है यानी 2y है, तो 2y मल्टीप्लाई बी क्या है यानी 1। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y आएगा, 2 2 जा 4, और y है तो y माइनस का y। तो अब इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, यानी 2y माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन, यानी 2y माइनस 1, यही इसका आंसर है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड जो लिखा हुआ है x का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन में 100, राइट। अब इसे x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर, राइट, और y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, यानी y और 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का होल स्क्वायर। तो देखिए y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर आएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे 100। तो अब ये देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का हो गया फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस b और a माइनस b। तो हम लिख सकते हैं a क्या है यानी x है, और प्लस b क्या है यानी y अपॉन में 10, और एक बार क्या आ जाएगा x ए एक्स है, और माइनस बी क्या है यानी वाई वाई अपॉन में 10। यानी ये कौन सा फार्मूला लग गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।